हेलो बच्चों और वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल एडुकोस पे। मैं सुनीत कुमार आपका गाइड मेंटर और मोटिवेटर आपको आज बताने आया हूँ कि आप 15 दिन में अपने एग्जाम्स की तैयारी कैसे करें और उसमें तैयारी करके 98% या 95% कैसे लाएं। तो करना बहुत आसान है, बस प्लानिंग की ज़रूरत है। तो एक एक करके बात करते हैं कि अभी आपको 15 दिन में कैसे पढ़ाई करनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़, आपको एक अपना एक प्लान बनाना पड़ेगा और अपने सिलेबस को एसेस करना पड़ेगा, मतलब नापना पड़ेगा कि कितने चैप्टर्स आ रहे हैं। तो आप क्या कीजिए कि सबसे पहले जो सिलेबस एग्ज़ाम का शेयर हुआ है स्कूल की तरफ से, आप उनमें से जो चैप्टर्स आपके एग्ज़ाम में आ रहा है उसको एक जगह एनलिस्ट कीजिए सब्जेक्ट वाइज। लेट्स से 5 सब्जेक्ट है या 7 सब्जेक्ट है या 8 सब्जेक्ट है, उन सारे सब्जेक्ट के चैप्टर्स को एक जगह लिखिए और लिखने के बाद उसमें आप प्लानिंग कीजिए डेट वाइज। तो आप आज से लेके जब तक आपका एग्ज़ाम है, 2 दिन छोड़ के, लेट्स से आज 17th of August है और आपका एग्ज़ाम 6th of September से स्टार्ट हो रहा है, तो आप बेसिकली 3rd September तक अपना प्लान करेंगे। सो 17th, 18th, 19th, 20th ऐसे चलता जाएगा आपका। 3rd September को आपका प्रिपरेशन रुक जाना चाहिए। 4th, 5th को आप जो पहला वाला टेस्ट होगा उसकी प्रिपरेशन के लिए रखेंगे समय, जिससे कि आप वहाँ पे रिवाइज कर सकें। तो आप इन डेट्स पे आप वो सब्जेक्ट्स लिखें। तो लेट्स से हर दिन आप 4 घंटे पढ़ रहे हैं या 5 घंटे पढ़ रहे हैं, तो आप उन 5 घंटे में कैसे डिवाइड करोगे अपने टाइम को। तो हमेशा कोशिश करो कि आप 2 घंटे से 3 घंटे तक एक बार में एक सिटिंग में पढ़ाई करो, क्योंकि एग्ज़ाम 3 घंटे का होगा बच्चों, और आपको उस 3 घंटे तक कॉन्सेंट्रेट करके अटेम्प्ट करना है पेपर को। तो आपका सिटिंग कैपेसिटी या आपका कॉन्सेंट्रेशन और जो आप कितने देर तक कॉन्सेंट्रेट करके एग्ज़ाम में बैठ सकते हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आपको 2-3 घंटे का सिटिंग प्लान रखना चाहिए, अपना पढ़ने का समय रखना चाहिए। और ऐसे ऐसे 2 सिटिंग लेट से बना लिया और आप 2 सब्जेक्ट लेके चलते हो, 2 सब्जेक्ट में दोनों सब्जेक्ट में एक एक चैप्टर या 2-2 चैप्टर या 1.5 चैप्टर आप करते हो, तो वो प्लान आप पूरा बनाओ और कोशिश करो कि आप सारे सब्जेक्ट्स को चूज, मतलब लेके आ रहे हो और सारे चैप्टर्स भी लेके आ रहे हो। इवन दो अगर आप पूरे चैप्टर्स में सब चीज़ नहीं पढ़ पाओ, फिर भी अगर आपने ऊपर ऊपर से भी एक चीज़ पढ़ लिया तो आपको जो बीच में गैप मिलेगा उसमें आप उसको फिर से और पक्का कर सकते हो। तो कच्चा कच्चा भी प्रिपरेशन हो जाएगा अगर 15 दिन में आपका, तो यू विल बी लॉट मोर कॉन्फिडेंट, आप बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगे जब आप एग्जाम में जाएंगे। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो स्टडी के समय, अब जब पढ़ाई कर रहे हैं तो उस समय आपको कैसे पढ़ना है। तो आपको कोशिश करना है कि शॉर्ट नोट्स आप बनाते चलें और यू नो कॉन्सेप्ट्स को समराइज करके एक जगह लिखते चलें, जो आपका डेरिवेशन है, आपके न्यूमेरिकल्स हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं, मेन यू नो कॉन्सेप्ट्स हैं, उन सबको स्टार मार्क करके एक एक जगह लिखते चले, जिससे कि जब एग्जाम के बीच में जो गैप होगा आप बस उन नोट्स को पढ़ोगे जिससे आप फिर से उस चीज को रिवाइज कर सको। और जो गैप मिलता है उसमें कभी भी बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाते हैं, बट जो आपने पहले पढ़ा है उसको और अच्छे से याद करते हैं, जिससे जो आप आंसर्स लिखते हैं वो आंसर्स काफी अच्छे आपके हों और टीचर्स आपको उसमें अच्छे से मार्क्स दे सकें। और जब आप नोट्स बनाएं तो ध्यान रखें, आप जब प्रिपरेशन कर रहे हैं टेक्स्ट बुक रखें साथ में, क्लास के नोट्स रखें जो स्कूल में मिला है, ऑनलाइन रेफरेंसेस आप यूज़ कर सकते हैं नोट्स बनाने के लिए, और जो गाइड्स और स्टडी गाइड्स या और रेफरेंस बुक्स होते हैं उनको भी आप साथ लेके नोट्स बना सकते हैं। तीसरी चीज़ जो आपको ध्यान में रखना है वो है रिव्यू और प्रैक्टिस का। तो न्यूमेरिकल्स का प्रैक्टिस खूब करें, मैथमेटिक्स में जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं, हर तरह तरह के क्वेश्चंस को वो आप प्रैक्टिस कीजिए, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में चलिए और रिव्यू करते रहिए। तो हर दिन रात में सोने के पहले लेट से आधे घंटे जो भी आपने याद किया उसको कोशिश कीजिए रिवाइज करने का, उस दिन का या उसके एक दिन पहले का, तो रिवीजन होता रहेगा। तो इससे क्या है कि 15 दिन में आप ओवरऑल चीज़ों को साथ में लेके चलोगे, नहीं तो बहुत बच्चों का ये कहना रहता है कि सर जो आज पढ़ रहे हैं 15 दिन बाद वो चीज़ याद नहीं रहती है। ऑब्वियसली नहीं याद रहेगी, हमारे ब्रेन की कैपेसिटी है चीज़ों को स्टोर करने की। तो इसीलिए आपको ये करना है कि बार बार उसको दोहराना है, एक बार बस पढ़ भी लोगे रात में सोने समय तो भी काफ़ी है। चौथी चीज़, आपको मॉक टेस्ट और टाइम मैनेजमेंट पे भी ध्यान देना होगा कि आप एक क्वेश्चन को कितनी देर में कर रहे हो। लेट्स से एक मैथ्स की क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो, कोशिश करो उसको कि 5 मिनट के अंदर 3 मिनट के अंदर उस क्वेश्चन को करो। तो सेंस ऑफ अर्जेंसी वो तुम्हारे प्रिपरेशन और प्रैक्टिस के समय भी होना चाहिए, और तभी उसको कैरी करके आप एग्जामिनेशन हॉल में भी जा पाओगे, नहीं तो वहां पे आप टाइम को मैनेज नहीं कर पाओगे। तो इसी
इसीलिए टाइम मैनेजमेंट के लिए हम लोग ये कहते हैं कि छोटे छोटे टेस्ट दो, मॉक टेस्ट दो, मम्मी को बोलो कि एक पेपर बना देने, पापा को बोलो या अपने टीचर्स को बोलो वो पेपर बना देने के लिए, और पेपर दो और उसको चेक करो कि तुम्हारे आंसर सही है या नहीं। तो इससे क्या है कि तुम्हारा जो टाइम मैनेजमेंट है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा बच्चों। और अपने डाउट्स को इकट्ठा करके मत रखिए, उसको रेगुलरली पूछते रहिए अपने, अगर आपको पेरेंट्स पढ़ा रहे हैं तो पेरेंट्स से पूछते रहिए, या टीचर्स पढ़ा रहे हैं टीचर से पूछते रहिए। और आखिरी जो दिन एग्ज़ाम है, जिस दिन अगले दिन एग्ज़ाम है, उस दिन रात में जल्दी सोइए, कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ पे पूरी रात जग के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो तरीका सही नहीं है। तो वहाँ पे आप आराम से रिलैक्स कीजिए, रिलैक्स माइंड से जाइएगा, आप ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर पाइएगा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए बच्चों, एंड आई एम श्योर कि आप ये जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स हैं इसमें आप काफ़ी अच्छा करने वाले हैं। सो आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा बच्चों, और अगर पसंद आया है तो लाइक करें हमारे वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लोग लगातार ऐसे मोटिवेशनल वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे, जिसको आप देख के आप मोटिवेट भी होंगे और पढ़ाई करने का आपको किस तरह से पढ़ाई करें और अच्छा स्कोर करें ये भी पता चलता रहेगा। तो अगली बार के तक के लिए अलविदा दोस्तों, बाय एंड टेक केयर।